नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में क्या लिखा गया, बोला गया है कि एक ट्यूबवेल ट्यूबवेल है, ठीक है ना, उसको ड्रिल करना है, ट्यूबवेल को ड्रिल करना है। कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग अ ट्यूबवेल जिसका कॉस्ट दिया हुआ 2.50 पर फुट, यानी कि जो कॉस्टिंग है 2.5 पर फुट या फिर पर फीट बोल सकते हैं इसको, पर फीट का कॉस्ट के हिसाब से चलेगा वो। मगर पहला 100 फीट का ही बात कर रहा है ये, 100 फीट का कॉस्ट इतना पड़ेगा, मगर जैसे ही हम 101 में जाएंगे तो उसमें एडिशनल चार्ज लग जाएगा कितना, 0.25। तो हमको बताना है 220 तक का ड्रिलिंग करना है, 220 तक का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पहले बोला है कि एक हम लोग को क्या करना है, एक ट्यूबवेल, ट्यूबवेल को ड्रिल करना है, ठीक है ना। ट्यूबवेल का ड्रिलिंग के लिए किसी को बुलाया, कोई आदमी आया, बोला ठीक है हम ड्रिल कर देंगे, कितना चाहिए, हम बोले हमको चाहिए 220 तक का चाहिए। तो बोला ठीक है 220 तक का चाहिए, आपको जितना मैंने कराइए कोई दिक्कत नहीं है, हम 100 फीट तक का कॉस्ट कितना लेते हैं, 2.5 करके लेते हैं। 100 फीट तक का कॉस्ट कितना लेते हैं, 2.5। तो हम बोले ठीक है 100 फीट अगर कराएंगे तो 2.5 करके हमको देना होगा उसको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए, बस क्लियर है। मगर हमको चाहिए कितना, हमको और चाहिए कितना, 220 चाहिए, यानी कि हम उससे 120 फीट एक्स्ट्रा खोदवाएंगे, बोलेंगे और 120 फीट करो। तो वो क्या बोला कि जितना करवाइए आप कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, कितना 0.25, यानी कि जैसे ही हम बोलेंगे 101 फीट खोदो तो उसका कितना चार्ज लिखेगा, वो बोलेगा 2.5 प्लस 0.25 यानी कि 2.75। ये पहला वाला किसके लिए, 101 के लिए ये वाला पड़ेगा। जब बोलेंगे 102 के लिए, मतलब दूसरा एक और फीट खोद दो, तो उसका कितना लेगा, इसी में 0.25 और ऐड कर देगा, कितना हो जाएगा, 0.25 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर बोला हम 103 करो, तो 103 का कितना लेगा, 103 का लेगा वो 3.25। इस तरह से लेते जाएगा। हम लोग को कब तक चाहिए, हम लोग को चाहिए 120 तक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज का एस 120 निकालेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 250 और ऐड कर देंगे, तब जाके हमको मिलेगा टोटल, ठीक है। तो क्या करने वाले, S120 क्या होता है, 120 by 2 within bracket 2A, A का value है 2.75 plus N क्या हो, 119 लिख देता है, डायरेक्ट माइनस करके लिख दिया, 120 में से माइनस कर दिए, और D का value कितना था, 0.25 था। अब इसको काटेंगे 60 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है हम लोग का, 5.5 आ रहा है, 5.5 आ रहा है, प्लस इसको मल्टीप्लाई किए, ये कितना है, 119 को इंटू कर रहे हैं कितना, 0.25 से कितना आ रहा है, इंटू करने पे बताओ कितना आया, 2.975, ठीक है इसको। तो अब यहां क्या करने वाले हम लोग, 2115 रुपए आ चुका था, हम लोग क्या करेंगे 250 को ऐड कर देंगे, तो टोटल हम लोग को पता चल जाएगा कितना आ रहा है, 2365 टोटल कॉस्टिंग निकल गया किसका, ड्रिल करने का। अब क्या पूछा था हम लोग से पूछा था लास्ट टर्म मतलब ए 120, क्यों 220 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि पहला 100 फीट तो उसी में ऐड किया हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको निकालेंगे, ये कैसे निकलेगा, इसके लिए पहला वाला क्या लिखना होगा हम लोग को, 2.75 उसमें ऐड करना है, क्या ऐड करेंगे, ये वाला वैल्यू ऐड कर देते हैं, ये कितना है 29.75, क्यों लिख रहे हैं इसको, क्योंकि यही ना होता है फॉर्मूला, ये है एन माइनस वन इंटू डी, इसी को यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं हम लोग, कितना और ऐड करने से बताओ, 32.50 आंसर कितना दिया हुआ, यही आंसर है, ठीक है। तो ये तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8।